बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के साथ मैं हूं कमरान मलिक। जी तो दोस्तों, आज एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की जो वीडियो है वो बैटरी चार्जिंग अम्पेयर्स के हवाले से है, मतलब कि हम जब भी कोई न्यू बैटरी परचेज़ करते हैं तो हमें उसको कितने चार्जिंग अम्पेयर प्रोवाइड करने होते हैं चार्ज होने के लिए। जी, हम जब भी कोई बैटरी लेते हैं, चाहे वो 200 एम्पेयर की हो, 175 एम्पेयर की हो, हमें ये कैसे पता चलना है कि हमने इसको कितने एम्पेयर पे चार्ज करना है, मतलब कितने एम्पेयर दे के हमने इसको इस बैटरी को चार्ज करना है। अब बैटरीज जो होती हैं वो 12 वोल्ट में आती हैं, जाहिर सी बात है 12 वोल्ट की बैटरी है तो वोल्टेज उसको 12 ही मिलने, मतलब 12 वोल्ट DC ही उसको मिले हैं। अब एम्पेयर उसको कितने मिलेंगे, ये बात नोट करने वाली होती है कि बैटरी को एम्पेयर कितने मिलेंगे कि वो जाके मतलब चार्ज होगी। ये आज मैं इस वीडियो में आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा, सिंपल सा फार्मूला मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा, जिसकी मदद से आप ये फाइंड कर सकेंगे कि आपकी बैटरी को कितने एम्पेयर चाहिए होते हैं चार्ज होने के लिए। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी बैटरी को जितने एम्पेयर चाहिए चार्ज होने के लिए आपको उतने ही प्रोवाइड करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा एम्पेयर प्रोवाइड करेंगे तो आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी, हीट अप होगी। अगर आप बिल्कुल थोड़े एम्पेयर प्रोवाइड करेंगे तो आपकी बैटरी बिल्कुल चार्ज ही नहीं हो पाएगी। तो ये एक बिल्कुल एक मखसूस जो है एम्पेयर होते हैं जिसकी बिना पर आपको बैटरी जो है अपनी चार्ज करनी पड़ती है। तो आज सिंपल सा फार्मूला आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान सा तरीका है। आपने क्या करना होता है, फर्ज करें आपके पास कोई भी बैटरी है, मैं यहाँ पे 200 एम्पेयर हावर की बैटरी को लेके चलता हूँ। फर्ज करें हमारे पास एक बैटरी है वो 200 एम्पेयर हावर की है, तो आपने क्या करना है, जितने एम्पेयर की बैटरी होगी आपने क्या करना है, उस नंबर का आपने 10% निकाल लेना है। 200 एम्पेयर की बैटरी है तो आपने उसका 10% निकाल लेना है। 175 एम्पेयर की बैटरी है तो आपने भी 175 का 10% जो है वो आपने निकाल लेना है। कैसे निकालना है ये कैलकुलेशन मैं भी आपको करके बताता हूँ। आप फर्ज करें मेरे पास 200 एम्पेयर हावर की बैटरी है, तो 200 एम्पेयर हावर बैटरी को आपने चार्ज करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे आप देख लें मेरे पास फर्ज करें 200 एम्पेयर हावर की बैटरी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 200 एम्पेयर हावर का मैं जो है वो 10% निकालूंगा। इसका 10% आपने कैसे निकालना होता है, सिंपली आप 10 को डिवाइड कर दें 100 पे, आपके पास कुछ इस तरह से 0.1 आ जाएगा। आपने इस 0.1 को अब जितने एम्पेयर हावर की आपकी बैटरी होगी उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सिंपली मैंने 200 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है, आप देख सकते हैं मेरे पास जो आंसर है वो 20 है, यानी कि 200 एम्पेयर हावर की बैटरी को 20 एम्पेयर चाहिए होते हैं चार्ज होने के लिए। जी हाँ, अब ऐसे ही फर्ज करें कि मेरे पास अगर एक बैटरी है 175 एम्पेयर हावर की, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 175 का जो है वो 10% निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, इसको आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना 0.1 के साथ। अब ये 0.1 कैसे आया है ये अभी मैंने आपको बताया, आपने 10 को डिवाइड कर देना है 100 के साथ तो आपके पास 0.1 आता है। तो ये कुछ 17.5 मतलब 17.5 तकरीबन 18 एम्पेयर कह लें कि 175 एम्पेयर की बैटरी को आपको 18 एम्पेयर प्रोवाइड करने होते हैं चार्ज करने के लिए। बहुत ही आसान सा तरीका है, आप जब भी कोई भी बैटरी परचेज करें तो आपने इस फार्मूले की मदद से आपने फाइंड कर लेना है कि आपकी बैटरी को जो है कितने एम्पेयर चाहिए होते हैं चार्ज होने के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी जो है ये फैक्टर होता है बैटरी को चार्ज करने के लिए, क्योंकि अब वोल्टेज आपने 12 ही प्रोवाइड करने होते हैं। ये बात याद रखें, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो वोल्टेज हमारे तकरीबन 13 या 14 वोल्ट होते हैं DC हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक है। और जो एम्पेयर होते हैं वो आपने ऐसे फाइंड करने, मतलब कि किसी भी बैटरी के जो एम्पेयर हावर है उसका 10% निकाल के आपने जो है अपनी बैटरी के एम्पेयर निकाल लेने हैं, मैंने इतने एम्पेयर देने हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो बैटरी की चार्जिंग आपने कैसे फाइंड करनी है ये तरीकाकार आपको पता चल गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी लाजमी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल फंड ऑफ टेक्नोलॉजी इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लो, साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक मिल सके और मजीद ऐसी वीडियो आपको देखने को मिले। तो वीडियो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि औरों को भी ये मैथड पता चल सके कि आपने बैटरी के जो है चार्जिंग कंपेयर कैसे फाइंड करने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेजबान कमरा मालिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।